हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सब सेफ होंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आज हम ये चकोर शेप का ये टेबल मैट बनाना सीखेंगे। आप इसको टेबल मैट बना के यूज कर सकते हो, डोरमेट बना सकते हो, थोड़ा सा और बड़ा बना के पूजा का आसन बना सकते हो, और फ्रेंड्स आप इसको साड़ी और चुन्नी से भी बना सकते हो। तो देखिए, इसमें मैंने तीन कलर का यूज किया है। तीन कलर के मैंने इसमें फ्लावर बनाए हैं, और ये मैंने इसमें ग्रीन कलर का बेस दिया है। अगर फ्रेंड्स, ये इसके चार पार्ट बनेंगे, थोड़ा सा मैं आपको इसके बारे में बता दूं। चार पार्ट बनेंगे, यहाँ से मैंने इसकी स्टार्टिंग की थी, यहाँ पे हम आ गए, यहाँ से हम दूसरा स्टार्ट करेंगे, यहाँ पे हमारा दूसरा बनेगा। तो फ्रेंड्स, मैं उसको दूसरे कलर से बनाऊंगी, सारे ही कलर मैं उसमें चेंज कर दूंगी। फिर ये तीसरा फ्लावर हमारा यहाँ पे आएगा, एक यहाँ पे, एक यहाँ, एक यहाँ, यहाँ पे फिर मैं इसी कलर का बनाऊंगी, तो हमारे आमने सामने कलर सेट हो जाएंगे। और जो मैं सेकंड कलर में लगाऊंगी वो मैं फोर्थ में लगाऊंगी। एक हमारा यहाँ बनेगा, और यहाँ पे आके फ्रेंड्स उसका एंड होगा, यहाँ से और यहाँ तक की हमने सिलाई करनी है, बाकी हमने और कहीं से इसकी सिलाई नहीं करनी है। तो देखिए, ये मेरा कंप्लीट हो गया बिल्कुल पूरा। अब यहाँ से मैं इसमें दूसरे कलर लगाऊंगी। जब भी आपका ऐसे बन जाए तो आप बैक साइड से उसमें सेकंड कलर लगाइएगा। अब मैं यहाँ से इसमें ऑरेंज लगाऊंगी, जहाँ से ये मैंने ग्रीन लगा रखा है, यहाँ पे मेरा अब ऑरेंज आएगा। और 28 फंदे से फ्रेंड्स मैंने इसको बनाया है। आपको बड़ा बनाना है तो आप ज़्यादा फंदे डाल लीजिए, इसकी आप नोट लगा लीजिए, या इसको अंदर ऐसे ही दबा लीजिए। मैं इसको अंदर दबा लूंगी, क्योंकि बैक साइड से भी हम इसको बहुत सफाई के साथ बनाएंगे। एक्स्ट्रा थ्रेड को बाद में आप काट दीजिए। ये देखिए, हमारे यहाँ पे पक्का हो गया। तो 14 फंदे मैं इस कलर के बनाऊंगी। इस रो में हम अपने कलर सेट कर लेंगे। अट्ठाईस फंदे का है, 14 फंदे मैंने ऑरेंज के ले लिए। यहाँ से फिर से मैं कलर चेंज करूँगी, तो आप ऐसे थ्रेड को क्रॉस कर लीजिए। ये देखिए, अब जो नीचे वाला मैंने काट काट दिया था, इसको आप इसको ऐसे अंदर दबा लीजिए, ताकि हमारा ये भी पक्का हो जाए। और ये 14 फंदे मैं इस कलर के बना लूँगी। ये देखिए, इस रो में हमने कुछ नहीं करना, इस रो में हमने, जब हमारा फ्लावर कंप्लीट हो जाए तो हमने अपने कलर सेट करने हैं। तो देखिए, राइट साइड से भी आप एक बार देख लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि हर बार हमने ऐसे ही बनाना है। जो जैसे कलर का होगा उसी कलर से हमने राइट साइड से बनाना है। वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ये फर्स्ट रो आप ध्यान से देख लीजिए, कैसे हमने थ्रेड को लेना है। जब भी कलर चेंज करोगे, इस साइड से कलर चेंज करना, और इस साइड से जो जैसा है हमने वैसा ही बनाना है। देखिए, थ्रेड को हम पीछे ले लेंगे, उंगली पे ले लेंगे, और पीछे से दूसरा थ्रेड ऐसे खींच के क्रॉस करके ऐसे लेके आएंगे। क्रॉस करना मत भूलिए, नहीं तो हमारा यहाँ पे गैप बन जाएगा। देखिए, इसमें आपको कहीं पे भी मेरा गैप नज़र आपको नहीं आएगा। इसी तरीके से आप थ्रेड को लेना क्रॉस करके हर बार। राइट साइड से हमने बना लिया है, और देखिए, किनारे के फंदे को आप सीधा बनाइए। थ्रेड पीछे करके इसको हम सीधा बनाएंगे। इससे सीधा बनाने से देखिए फ्रेंड्स, ऐसे हमारी सफाई के साथ ये बनके कंप्लीट होगा। और बैक साइड से आप इसको ऐसे ही उतारिए, एक साइड से बनाएंगे, एक साइड से ऐसे उतारेंगे। अब देखिए, इस साइड अब हम 13 फंदे ऑरेंज के बनाएंगे। अब हम इसमें अपना डिजाइन बनाना स्टार्ट करेंगे। मेरे पास पतली ऊन है फ्रेंड्स, ये पुरानी है, इसलिए मैंने इसको डबल कर रखा है। आपके पास सिंगल है तो आप सिंगल से ही बनाइए।
ये देखिए 13 फंदे हमने बना लिए, अब एक फंदा हम इस कलर का बना लेंगे। ध्यान से देखिए, एक एक फंदा अब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। और ये देखिए एक फंदा हम पीछे छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से फर्स्ट वाले को उतारेंगे और जैसे मैंने आपको पहले बताया है, मैं इस रो को कंप्लीट करूंगी। यहां से हम थ्रेड को क्रॉस करेंगे और इसको हम सीधा बनाएंगे। तो इस रो को मैं बना लेती हूँ। ये देखिए फ्रेंड्स, ये रो उतारने के बाद ये बैक साइड से भी मैंने यहाँ तक बना दिया है। फिर से हम एक फंदा इसमें ऐड कर लेंगे। दो फंदे हमने फ्रेंड्स ऊपर की तरफ हम बढ़ गए हैं और फिर से देखिए एक फंदा हम पीछे छोड़ देंगे। एक एक फंदा पीछे छोड़ते हुए हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे। दूसरा फंदा हमने छोड़ दिया और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से जो जैसा है हम वैसा ही इसको बना के कंप्लीट करेंगे। देखिए फिर से मैं यहाँ पे आ गई हूँ। एक फंदा हम इसमें और ऐड कर लेंगे। तीन फंदे फ्रेंड्स मैंने आपको दिखा दिए हैं। एक फंदा मैं और ऐसे ही इसमें ऐड करूँगी और पीछे हम तीसरा फंदा अपना इसमें छोड़ देंगे। ये देखिए तीसरा फंदा छोड़ दिया, यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। फर्स्ट वाले को ऐसे ही उतारेंगे और पूरी रो उतार लेती हूँ। उसके बाद फ्रेंड्स मैं एक फंदा इसमें और ऐड करूँगी, उसके बाद मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी। ये देखिए इसमें फ्रेंड्स मैंने चार फंदे मैं ऊपर की तरफ बढ़ गई हूँ और चार फंदे ये देख सकते हैं आप यहाँ पे मैंने छोड़ दिए हैं। अब देखिए बीच में फ्रेंड्स हम इसमें कोई चेंज नहीं करेंगे, ऐसे ही हम इसको बनाएंगे। दो रो हमारी उतर गई है जब चौथा फंदा हमने छोड़ा है। एक बार हमने उसको लिया था इस साइड से बना और दूसरी साइड से, और फ्रेंड्स इसमें हम ऊपर चार रो और ऐसे ही बनाएंगे। ये मैं नीचे वाला आपको दिखा दूँ, ये देखिए ये वाली, ये ऐसी हमारी टोटल छः रो बनेंगी। तब हमारी ये तीन लाइन बनेंगी। यहाँ पर एक हमारी ये बन गई है और हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, बिल्कुल सेम जो जिस कलर के फंदे हैं, सीधी तरफ से भी और बैक साइड से भी कोई चेंज नहीं करेंगे, लेकिन पीछे फंदे हम ऐसे ही एक एक छोड़ेंगे। नीचे हम फंदे बराबर हर रो में पीछे छोड़ेंगे और यहाँ से राइट साइड से ऐसे ही बना लेंगे और एक बार फिर हम इनको ऐसे ही बनाएंगे। उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का देखिए, जब हमने ये चौथा फंदा बढ़ाया था उसके ऊपर फ्रेंड्स हमने ये चार रो और बना ली है। अब देखिए और पीछे हमने एक एक फंदा छोड़ा है। अब जैसे फ्रेंड्स हम नीचे से बाहर की तरफ बढ़े थे, अब हमने ऊपर से इसको हार्ट की हम शेप देंगे तो एक फंदा हम इसमें ऐड कर लेंगे। थोड़ा सा इसमें चेंज आया है यहाँ पे। बाकी के फंदे हम इसी कलर से बना लेंगे और पीछे एक फंदा हम छोड़ देंगे। और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बनाऊंगी। ये देखिए एक फंदा फिर से हम इसमें ऐड कर लेंगे और आगे के फंदे हम इसी से बनाएंगे। दो फंदे हम अंदर की तरफ बढ़ गए हैं और पीछे हम ऐसे ही ये वाला फंदा छोड़ देंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे मैं एक फंदा और बनाऊंगी, फिर उसके बाद मैं आपको आगे का दिखाऊंगी। एक फंदा और छोड़ूंगी। ये देखिए इतना हमने इसमें बना लिया है। तीन फंदे हमने एक एक करके छोड़ दिए हैं। अब देखिए फ्रेंड्स इस रो में हम कैसे करेंगे। तीन और तीन छः और तीन ये नौ, नौ फंदे हमने पीछे छोड़ लिए हैं। दसवां फंदा अब हम छोड़ेंगे। उससे पहले देखिए एक दो, सॉरी ये ऑरेंज से ही मैं बनाऊंगी। इसी कलर को हम अंदर लेके जाएंगे। तीन फंदे छोड़ने के बाद एक
दो तीन चार और पांच, पांच फंदे मैं बना लूंगी और ये दसवां फंदा भी मैं पीछे छोड़ दूंगी। फ्रेंड्स एक मेरा ये थ्रेड इसका निकला हुआ है, मैं इसको डाल लेती हूँ। ये डबल हुक कर रखी है तो निकल जाती है कई बार, ये देखिए। तो ये टोटल मैंने पीछे 10 फंदे के करके छोड़ दिए हैं, और 3 फंदे बनाने के बाद अंदर, और फोर्थ फंदा जब बनाया तो उसमें मैंने ये 5 फंदे बना लिए। अब देखिए यहीं से वापस मुड़ जाएंगे, इसको मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। अब देखिए अब मैं यहाँ पे फ्रेंड्स 6 रो उतारूंगी, 3 इस साइड से और 3 उस साइड से, और एक एक फंदा ऐसे ही पीछे छोड़ दूंगी। एक ही कलर अब हम यूज करेंगे। तो देखिए एक फंदा मैंने पीछे छोड़ दिया और मैं यहीं से वापस मुड़ गई, ये देखिए। दो रो मैंने देखिए उतार ली है बैक साइड से और सीधी साइड से, और फ्रेंड्स 4 रो मैं इसमें और उतारूंगी, 2 उस साइड से और 2 उस साइड से, और पीछे एक एक फंदा ऐसे ही छोड़ूंगी। फिर मैं आपको ऊपर का बताऊंगी। किनारे वाले को आप हमेशा ऐसे सीधा बनाइएगा, देखिए इससे हमारे किनारे की बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो मैं ये 4 रो और उतार लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊँ। ये देखिए ये मैंने यहाँ पे 6 रो निकाल ली हैं, आप देख सकते हो ये लाइन बनी हुई है, 1 2 और ये 3, 3 फंदे मैंने पीछे छोड़ दिए हैं। अब देखिए अब हम ऊपर बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये देखिए फ्रेंड्स ये 3 फंदे काउंट नहीं करेंगे, ये हमने छोड़ दिए हैं। ये ऊपर के देखिए 1 2 3 और 4, 8 फंदे पे हम यहाँ पे अपना इसमें सेकंड कलर लगाएंगे। तो आप यहाँ पे नोट लगा लीजिए इसकी। तीन चार पाँच छ सात और एक ये 8वां फंदा हम छोड़ देंगे और हम यहीं से वापस से मुड़ जाएंगे। राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही कम। देखिए अगली रो में हम ये 3 4 5 6 फंदे बनाएंगे, एक फंदा हम ये इस कलर का बना लेंगे, और पीछे जैसे हम छोड़ते आए हैं ऐसे ही हम एक फंदा पीछे छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही बनाऊंगी। एक बार मैं आपको दिखा दूं, ये देखिए इसको हम ऐसे क्रॉस करके ले लेंगे जैसे हर बार लेते हैं। ये ऊन फ्रेंड्स कई हो जाती हैं तो उलझने का डर रहता है, इसलिए आप इसको साथ साथ सुलझा लीजिए, ये देखिए। और एक फंदा मैं इसमें और ऐड कर लूँगी, फिर मैं आपको ऊपर का बताऊँगी। ये देखिए अब की बार हम 5 बनाएंगे, ये फंदा और मैं इसमें ऐड कर लूँगी और पीछे एक फंदा छोड़ दूँगी। राइट साइड से जो जैसा वैसा ही, 2 बार हमने फंदा बना लिया है। अब की बार हम इसको सेम ऐसे ही बनाएंगे जैसे हमने नीचे बनाया था, ये 2 रो ऐसे ही बनाएंगे हम, जो कलर जैसा है, जैसे हम राइट साइड से बनाते हैं जो कलर जैसा है वैसा ही हम इसमें बनाएंगे, और एक फंदा पीछे से फिर से छोड़ देंगे और राइट साइड में मुड़ जाएंगे। राइट साइड जो जैसा है वैसा ही बनाएंगे। ये देखिए अब हम नीचे की 2 स्टेप नीचे की तरफ बढ़ेंगे, 3 4 5 इसमें से हम बना लेंगे, एक फंदा बना लिया।
और नीचे की साइड पे हम एक फंदा छोड़ देंगे, यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। एक फंदा फ्रेंड्स इसमें मैं अगली रो में एक और ऐड करूंगी, फिर मैं उसके आगे का आपको बताऊंगी। मैं आपको करके दिखा देती हूँ। राइट साइड से हम ऐसे ही इसको बना लेंगे। कई बार फ्रेंड्स वीडियो लंबा हो जाएगा लेकिन बिगनर्स को प्रॉब्लम हो जाती है। ये देखिए, जो दूसरे लैंग्वेज के हमारे व्यूवर्स होते हैं उनके भी कई बार कमेंट आते हैं। ये देखिए, राइट साइड से जो जैसा है वैसा ही बना लेंगे। देखिए, इस साइड से हम एक फंदा और अंदर की तरफ पढ़ेंगे। छोटा फ्लावर है हमारा तो दो स्टेप ही हम ऊपर बढ़े थे, दो स्टेप ही अंदर की तरफ जाएंगे। ये देखिए, और नीचे फंदा हम ये ऐसे ही छोड़ देंगे, राइट साइड से ऐसे ही इसको बना के कंप्लीट करेंगे। ये देखिए, इतना हमने इसको बना लिया है, दो स्टेप अंदर की तरफ हम बढ़ गए हैं। अब यहाँ पे फ्रेंड्स हम चार रो ऐसे ही बनाएंगे। हमने नीचे छह रो बनाई थी, यहाँ पे हम चार रो ऐसे ही बनाएंगे। ये देखिए, अभी मैं यहाँ पे अंदर दो रो और ऐसे ही निकाल लूँगी। ये देखिए, और नीचे हम अपने फंदे ऐसे ही छोड़ते जाएंगे। ये एक हम और छोड़ देंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ये देखिए, राइट साइड से भी फ्रेंड्स आप इसको क्रॉस करके ऐसे इसको आप बनाइएगा। ये देखिए, ये सीधा बनेगा लेकिन आप थ्रेड को क्रॉस कर लीजिए। एक रो और मैं ऐसे ही उतारूंगी लेकिन पीछे हम अपना फंदा ये ऐसे ही छोड़ देंगे और मैं इसी साइड से ऐसे ही इसको कंप्लीट करूँगी। अब देखिए, इस साइड से ये एक फंदा हम ऑरेंज बना लेंगे और पीछे ये फंदे हम ऐसे ही छोड़ के और मुड़ जाएंगे। राइट साइड से जो जैसा है वैसा। ध्यान से देखिए फ्रेंड्स, हर रो में अब थोड़ा सा चेंज है। अब दो किए थे, अब हम तीन बना लेंगे। ये पीछे का फंदा एक और हम छोड़ देंगे। राइट साइड से जो जैसा है तो वैसा ही बनाएंगे। अब देखिए, अब हम ये दो फंदे बनाएंगे और ये हम येलो बनाएंगे। ध्यान से देखिए, और ये हम इसके आगे का फंदा ले लेंगे और गैप भरने के लिए फंदा उठाएंगे। ध्यान से देखिए, अब हम वापस अपना फ्लावर बनाएंगे, जैसा उस साइड है ऐसा ही हम इसको बनाएंगे। राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही इसको बनाऊंगी। ये देखिए, थ्रेड को ले आएंगे, इसको मैं उल्टा बनाऊंगी, इसको मैं सीधा बनाऊंगी। फिर से देखिए, अब हमारे दो थे, अब मैं ये तीन कर लूंगी। गैप भरने के लिए हम बीच में से फंदा उठाएंगे और ज़्यादा आपको गैप लगे तो आप दो फंदे भी गैप भरने के लिए उठा सकते हो ऐसे, लेकिन इसमें एक से ही काम चल जाएगा। तो देखिए, दो का एक करना मत भूलिए। दो फंदे का एक कर लेंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। सीधी साइड से जो जैसा है मैं इसको वैसा ही बनाऊंगी। ये देखिए, अब हम आगे एक फंदा और हम अंदर से ले लेंगे और ये हम येलो के बनाएंगे।
जैसा हमने फ्रेंड्स उस साइड किया था सेम वैसा ही हम करेंगे। गैप भरने के लिए आप एक फंदा यहाँ से ज़रूर उठा लीजिए। ये देखिए, ये वही रो है जो तीन फंदे पे हमने दूसरा कलर यहाँ पे लगाया था। ये देखिए, बिल्कुल सेम फ्लावर बनेगा। ये देखिए, राइट साइड से जो जैसा है हम वैसा ही बनाएंगे। अब ये बहुत जल्दी जल्दी बनके फ्रेंड्स कंप्लीट होगा, क्योंकि हम देख देख के इसको जल्दी बना लेंगे। ये देखिए, अब हमारा आगे ये वाला कलर है। तो फ्रेंड्स देखिए, सारे फंदे हमने इस कलर के बनाने हैं। अब हम येलो यूज नहीं करेंगे, येलो का हमारा फ्लावर कंप्लीट हो गया। देखिए, इसको आप काट, थ्रेड को आप काट दीजिए। देखिए, सारे फंदे हम इस कलर के बना लेंगे। और गैप भरने के लिए आप ऐसे फंदा उठाइए और एक फंदा हम आगे से फ्रेंड्स इस कलर का हम ये ऐड कर लेंगे। और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से जो जैसा है हम वैसा ही इस कलर को। देखिए फ्रेंड्स, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, ये ऑरेंज से ही हम ये बनाएंगे। चार पाँच, जैसे हमने बीच में चार रो बनाई थी ऐसे ही अब हम इसकी चार रो बनाएंगे। ये हमने गैपिंग के लिए उठाया था ये फंदा, तो इससे हम गैपिंग ख़त्म करेंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ये हमने बीच में इस साइड बनाई थी ये चार रो, ऐसे ही दूसरी साइड भी बनाएंगे। तो मैं दो रो और इसमें उतार लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी। अब हमने देख देख के फ्लावर को कंप्लीट करना है, बहुत इजी है। ये देखिए, ऊपर वाला फ्लावर हमारा कंप्लीट हो गया और ये हम ये बीच में चार रो बनाई थी, ये दो रो मैं और उतारूँगी, उसके बाद फिर हम ये अपना ये दूसरा वाला फ्लावर कंप्लीट करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसमें चार रो उतार ली हैं। अब देखिए, एक एक फंदा हमने इसमें ऐड करना है। जैसे हमने छोटा था ऐसे ही हम इसमें ऐड करेंगे और हमारा फ्लावर बनता जाएगा। ये देखिए, आगे हमारा ये कलर है तो हम इससे फंदा बना लेंगे और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। देखिए, इसको क्रॉस कर देंगे और बैक साइड से क्रॉस करके इसको लेके आएंगे। राइट साइड से मैं इस रो को उतार लेती हूँ। ये देखिए, अब हम ऊपर की तरफ पढ़ेंगे और ये गैप भरने के लिए मैंने एक फंदा पहले उठा लिया है, इसको हम गैप को ख़त्म करेंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, तीन स्टेप मैं इसमें ऊपर बढ़ूंगी, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी। जैसे सेम हमने नीचे बनाया था ऐसे ही बना। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम इसमें वो मैंने जो नीचे उतारी थी चार रो, सेम वैसे ही हम इसको चार रो अब इसमें हम ऐसे ही बनाएंगे, कोई फंदा नहीं बढ़ाएंगे नहीं घटाएंगे, ऐसे ही इसको हम बनाएंगे सेम। और नीचे से फंदा उठाएंगे गैप भरने के लिए और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। राइट साइड से जो जैसा है वैसा ही, और इसमें मैं एक रो और ऐसे ही उतारूंगी, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी।
अब देखिए ये मेरे पास चार थे, इसमें मैं अब एक और ऐड कर लूँगी। जैसे हमने उस साइड बनाया है ऐसे ही हम सेम ऐसे ही इस साइड भी बनाएंगे। जब आप एक बार बना लोगे फ्रेंड्स तो आपको बहुत ही आसानी से आप इसको बना लोगे। ये देखिए फंदा मैंने बीच में पहले उठा रखा था तो इसके साथ में दो का एक कर दूँगी। बिल्कुल फ्रेंड्स आपको मैं दिखा दूँ राइट साइड से, ये जैसे हम इस साइड बनाएंगे ऐसे ही हम इस साइड बनाएंगे। तो मैं यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ूँगी अंदर की तरफ, फिर मैं आपको आगे का देख ये फंदा भी मैं बना लूँगी, फिर मैं आपको आगे का दिखाऊँगी। ये देखिए इसमें मैंने एक और ऐड कर लिया है और फ्रेंड्स ये भी हमारा फ्लावर कम्प्लीट हो गया है। अब ये देखिए आगे हमारा ऑरेंज है, आप यहाँ से देख सकते हो पूरी लाइन हमने ऑरेंज की बनाई है। इस साइड से आप देख लेना, ये देखिए ये सारे ही, और इसको अब हम इस कलर को काट देंगे और फिर हम यहीं पे पक्का कर देंगे। जो भी फ्रेंड्स आपका फ्लावर कंप्लीट होता जाए उस कलर को आप एक साइड में निकालते जाइए, क्योंकि कई हमारे थ्रेड हो जाते हैं तो फिर आपस में ये बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं। और अगर आपको ऐसे ही ऊपर तक चलाना है, दूसरे फ्लावर में ज्वाइंट नहीं लगाना, तो आप इसको अंदर ऊपर तक लेके जाइए। इसको मैं यहाँ पे इसकी एक आप नोट लगा दीजिए, मैं इसको अंदर ही ऐसा पक्का कर देती हूँ, ये निकलेगा नहीं। ये देखिए और ये सारे फंदे हम ऑरेंज के बना लेंगे। गैप भरने के लिए एक फंदा ऐसे उठाएंगे बीच में से और इसके साथ दो का एक कर देंगे, यहीं तक बनाएंगे और वापस मुड़ जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स मैं यहाँ पे जैसे हमने नीचे यहाँ पे छह रो बनाई थी ऐसे ही मैं यहाँ पे ये रो निकाल लेती हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊंगी। ये देखिए ये छह रो मैंने बीच में निकाल ली हैं, अब हमने इस फ्लावर को बनाना है। तो देखिए फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे आप यहाँ से देख लीजिए, ये हमारे यहाँ पे पाँच फंदे थे। जब हम इस फ्लावर को बनाते तो यहाँ से शुरू करते हुए ऊपर तक जाते हैं और अब हम ऊपर से नीचे आए हैं, बिल्कुल सेम हमने बनाना है। तो देखिए हमने यहाँ से इसकी स्टार्टिंग करनी है, ये पांच फंदे मैं ये बना लूँगी और एक मैं ये छटा ये इसमें ऐड कर लूँगी। ये आप देख सकते हो बिल्कुल सेम इस साइड भी हम ऐसा ही बनाएंगे। हाफ बना लोगे फ्रेंड्स फिर इस साइड का तो बहुत आसानी से आपका बन जाएगा और ये बहुत नया डिजाइन है और अच्छा लगता है देखने में। ये देखिए तीन और दो, पांच मेरे फंदे बचे हुए हैं तो इनको मैं अब दूसरा कलर ये जो नीचे था ये मैं ले लूँगी। दो तीन चार और पांच, और इस साइड से गैप भरने के लिए बीच में से उठाएंगे, एक एक फंदा हम पीछे से इसमें ऐड करेंगे और हम यहीं से मुड़ जाएंगे। राइट साइड से जो जैसा है मैं वैसा ही देखिए मैं बनाती हुई यहाँ तक आ गई हूँ। एक फंदा फिर से हम इसमें अब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, एक फंदा मैंने इसमें ऊपर से ले लिया है। और एक फंदा हम पीछे से हर बार की तरह है गैप भरेंगे और पीछे से इसमें ऐड कर लेंगे और यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। अब आप देख लीजिए फ्रेंड्स एक बार इसमें समझ लीजिए, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। एक स्टेप मैं ऊपर बढ़ गई हूँ, ये देखिए मैं तीन स्टेप और ऊपर बढ़ूँगी और जब ये मैं फोर्थ वाला फंदा बनाऊँगी तो इसमें मैं ये छः रो उतारूँगी। ये जैसे मैंने पहले उतारी है, एक तो हम चौथा फंदा उतारेंगे तो हमारी ये दो रो तो हमारी बनी जाएंगी, उसके बाद फिर हम ये चार रो और उतारेंगे। ये आपको लाइन दिख रही होंगी तो मैं यहाँ तक बना लेती हूँ, फिर मैं आपको आगे का बताऊँगी। सेम ऐसे ही हम बाहर की तरफ ये तीन स्टेप और हम ऐसे बढ़ेंगे, एक हमने बढ़ लिया है दो और बढ़ूँगी, ये तीसरा भी यहाँ से ये चौथा हो जाएगा। और फ्रेंड्स चौथे पर मैं इस वाले पर यहाँ तक बना के और फिर मैं यहाँ पे इसमें चार रो इससे अलग और निकाल लूँगी, उसके बाद फिर मैं आपको ऊपर का दिखाऊँगी। ये देखिए
ये मैंने ऊपर यहाँ पे चार रो, एक फोर्थ वाला फंदा हम बाहर की तरफ बढ़े थे, दो रो तो हमारी ऑलरेडी पहले ही बन गई थी, और ये ऊपर मैंने चार रो, ये दो लाइन आपको दिखाई दे रही हैं, ये और हमने बना ली है। तो देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ तक इसको बना लिया है। अब हम अंदर की तरफ बढ़ेंगे, तो अंदर की तरफ कैसे बढ़ेंगे देखिए, और हमारे पीछे चार फंदे हमारे बचे हुए हैं, लास्ट स्टेप है ये, ध्यान से देखिए। एक एक फंदा अब हम अंदर की साइड जाएंगे, दोनों कलर के फ्रेंड्स हमारे 14-14 फंदे थे, तो हमारे दोनों कलर के सेम फंदे बन जाएंगे। अब ये फंदे ज़्यादा हैं, ऑरेंज कम हैं, तो मैं वो भी उतने ही बना लूँगी, और हमारा डिज़ाइन ऑलमोस्ट पूरा होने वाला है। ये देखिए, एक हम नीचे से उठाएंगे और इसके साथ ऐड कर देंगे, और हम यहीं से वापस मुड़ जाएंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार हम अंदर बढ़ लिए, तीन फंदे मेरे बचे हुए हैं, मैं तीन बार और अंदर की तरफ बढ़ूँगी, जैसे हमारा ये इस साइड ये बना हुआ है, तो मैं इसको बना लेती हूँ। तीन बार और मैं इसमें अंदर की साइड ये ऑरेंज वाले ये फंदे बना लूँगी, और पीछे से एक एक फंदा ऐसे ही ऐड करूँगी, तो मैं इसको बना लेती हूँ। ये देखिए, तीन स्टेप हम अंदर की तरफ बढ़ लिए हैं, एक मेरा फंदा यहाँ पे बचा हुआ है, एक और मैं बनाऊँगी, और फ्रेंड्स एक ही मेरा फंदा यहाँ पे बचा हुआ है। आप देखिए, हमारा दोनों साइड से बिल्कुल ये सेम बन गया है, और इस रो में फ्रेंड्स हमारे फंदे हाफ हाफ हो जाएंगे, पूरा हमारा फ्लावर बन गया है। एक के बाद ये अपने आप ही सेट होते जाएंगे फ्लावर, और आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, एक फंदा और मैं इसमें ऐड कर लूँगी, ये देखिए। तो फ्रेंड्स, फंदे हमारे पूरे हो गए हैं, और डिजाइन भी हमारा कंप्लीट हो गया है, ये आप देख सकते हो। अब ये देखिए, सबसे पहले मैंने यहाँ से स्टार्टिंग की थी, ये फ्लावर बना, उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ से हमने दूसरा फ्लावर स्टार्ट किया, और देखिए अब ये फंदे हमारे इस साइड आ गए हैं। अब हम एक यहाँ पे फ्लावर करेंगे, तो फ्रेंड्स ये सीधी साइड से रो उतार के, और बैक साइड से यहाँ से अब मैं इसमें ये वाला कलर लगा लूँगी, ये वाला 14 फंदे मैं ये इसके ले लूँगी, ये अंदर वाले, और बाहर वाले में ये ऑरेंज वाले ग्रीन के कर लूँगी, तो हमारे आमने सामने ऐसे फ्लावर सेट हो जाएंगे। और जब ये फ्लावर कंप्लीट हो जाएगा, तो यहाँ पे जो फ्लावर बनेगा मैं ये वाला कलर उसमें लगा लूँगी, तो ये आमने सामने हमारे कलर हो जाएंगे। और अगर आपको एक ही कलर से बनाना है, तो ये रो उतारने के बाद सीधी साइड से, बैक साइड से फिर से आप अपना डिज़ाइन, जैसे मैंने नीचे से स्टार्ट किया था, यहाँ से आप अपना डिज़ाइन स्टार्ट कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको ये डिज़ाइन कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स, बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करना, बहुत ईजी डिज़ाइन है। हाफ बनाने के बाद इस साइड का बिल्कुल आपने सेम ऐसे ही बनाना है, आप देख देख के भी बना लोगे। बाकी वीडियो में भी मैंने जहाँ जहाँ पर भी इसमें चेंज आया है, मैंने बताया है आपको। तो फ्रेंड्स, आपको डिज़ाइन पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि मेरी नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नए डिज़ाइन के साथ। थैंक यू।